हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो ये अभी शास्त्री पार्क पुस्ता, और यहां से निकलने के बाद में एक इंटरचेंज यहां पर बनाया जाएगा, दूसरा खजूरी में दूसरा इंटरचेंज बनाया जाएगा। तो देख सकते हो राइट वाले ये मेन हाईवे के पार्ट दोस्तों जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, और लेफ्ट वाले हैं ये इंटरचेंज के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं पिलर से दोस्तों। तो दोनों पर ही अभी इन पर सेटरिंग लगा के कंक्रीट भरा जाएगा, फिर इनके बाद में इन पर पियर कैप का काम किया जाना दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों के शास्त्री पार्क से लेके और खजूरी तक ये सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और पियर कैप बनाने का बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी तोड़ के और इसको रोड को चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि ये 12 किलोमीटर का एलिवेटेड पार्ट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें बस जो है इंटरचेंज ही है ऊपर चढ़ने के लिए, बाकी नीचे आम पब्लिक के लिए इसमें सर्विस लेन रहेगी दोस्तों, और ऊपर के जो पार्ट है एलिवेटेड सेक्शन वो सीधा डायरेक्ट अक्षरधाम से स्टार्ट होगा और सीधा ये आपको बता दूँ बागपत बॉर्डर तक ये एलिवेटेड सेक्शन रहने वाला है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि इस पर अब चौड़ा भी किया जा रहा है, और देखो कंस्ट्रक्शन का सामान ये सारा पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ से देखो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पहले इन्होंने ये गाटर ये पिलर के जो पियर कैप बना लिए थे पहले ही, और पहले बनाने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और एक जगह यहाँ पर कुछ जगह फ्लोरिंग का भी काम हो चुका है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो अब देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर ये बायोडक्ट को रखा है, किस तरीके से गाटर लॉन्चिंग की गई है, बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर फ्लोरिंग का भी काम किया जा रहा है, सेटरिंग लगाई जा रही है, ये देख सकते हैं आप लोग ये सारे में सेटरिंग लगाने का काम चल रहा है अब तेज़ी के साथ में दोस्तों। ये देखो आप लोग यहाँ पर ये भी सेटरिंग का लगा रहे हैं यहाँ पर सेटरिंग, और इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है, और जैसे ही फ्लोरिंग का काम होता चला जा रहा है वैसे ही इस पर गाटर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, यानी कि खजूरी की साइड में दोस्तों आया गया है दोस्तों। ये देख सकते हो ये जो तस्वीरें हैं ये है खजूरी पुस्ता, और खजूरी पुस्ता पर देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों, और इस पर अब फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया गया है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, ये है कुछ ऐसा, ये खजूरी पुस्ते की तस्वीरें हैं दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि 6 लेन का होने वाला, 3 लेन इस साइड में, 3 लेन उस साइड में, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे होगा, और 6 लेन की ये लोकल ट्रैफिक के लिए रहेगा नीचे वाला पार्ट दोस्तों। तो ये आपको बता दूँ कि जो 12 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों वो एलिवेटेड रहेगा, एलिवेटेड सेक्शन रहेगा, बाकी ये ग्राउंड लेवल पर रहेगा। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है नज़ारा खजूरी पुस्ता का, जो कि यहाँ पर सबसे पहले गाटर लॉन्चिंग की गई थी वहाँ से स्टार्ट, और उस पर फ्लोरिंग का काम वहाँ पर कर दिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हो। और इधर ये अब किया जा रहा है, इस पर सेटरिंग ये लगाई जा रही है देख सकते हो, और सेटरिंग लगा देने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा दोस्तों। कुछ यही सीन है ये खजूरी पुस्ता का, जो जगह है ये है खजूरी पुस्ता, आगे खजूरी पुस्ता आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग किस तरीके से की जाती है यहाँ पर, दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, क्योंकि इन्हें 1 साल बाद इसे कंप्लीट करके देना है दोस्तों, 24 में आवाजाही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और 13 करोड़ रुपये की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दोस्तों। 210 किलोमीटर की दूरी है, सरायकाले खां से स्टार्ट होता है और ये जाएगा दोस्तों देहरादून लास्ट है इसका, तो उस बीच में जो जो शहर पड़ते हैं दिल्ली, यूपी, बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर दोस्तों, और एंड हो जाएगा ये जाके आपका इसमें
देहरादून में जाकर। तो चलते हैं आगे दिखाते हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, देख सकते हो सारे में ही गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, सारे में यहाँ गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है दोस्तों, ये देख सकते हो। और इधर गाटर लॉन्चिंग होती हुई जा रही है, खजूरी पर जाके ये एंड हो जाएगा। तो आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, देखो बस तो जो गाटर लॉन्चिंग हो पाई है वो यहीं तक हुई है दोस्तों। देखो ये लास्ट पिलर आ गया और इधर ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, इधर ये पियर कैप का काम किया जा रहा है। अभी इधर से देख सकते हो ये सारे में पियर कैप बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर सेटरिंग लगी हुई है, वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं। देखो टीम कितनी सारी लगी हुई है जो पियर कैप को बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर ये सेटरिंग लगाई जा रही है और पियर कैप बनाए जा रहे हैं तेज़ी के साथ में। जैसे जैसे पियर कैप बनते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इस पर गाटर लॉन्चिंग करते चले जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये पियर कैप बनाने के लिए इसके सेटरिंग को लगाया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर, और के पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। Don't leave me here high and dry. Oh.
और यहाँ से दोस्तों देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड पे पिलर बनाए जा रहे हैं, और दूसरा आपको बता दूं कि यहाँ पर ये दूसरा इंटरचेंज बनाया जा रहा है जो कि खजूरी पे इंटरचेंज बनाया जा रहा है, यानी कि लेफ्ट में चला जाएगा ये आपका सिग्नेचर ब्रिज के लिए, और राइट में चला जाएगा ये गाज़ियाबाद की साइड में यानी कि भजनपुरा, और ये तुम्हारा यमुना विहार होते हुए दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये मेन हाईवे के ये पिलर हैं, और लेफ्ट हैंड पर देख सकते हो वो जेसीबी खड़ी हुई है, वो इंटरचेंज के पिलर बनाए गए हैं दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी अब सेटिंग बिठाई जा रही है और पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। पियर कैप अब बनाए जाएंगे और जो इसके इंटरचेंज के जो पियर कैप हैं वो बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सारा सेटिंग का सामान पड़ा हुआ है। देख सकते हो अब जैसे जैसे ये पिलर भरते जा रहे हैं और वैसे ही वैसे इनको बड़ा किया जा रहा है। देख सकते हो ये इंटरचेंज का जो पियर कैप है वो बन चुका है, दूसरा बनाया जा रहा है, और इस साइड में भी इधर भी बनाए जा रहे हैं देख सकते हो, क्योंकि ये आपको बता दूं कि फ्लाईओवर को क्रॉस कराना, तो इसी वजह से यहाँ पर पिलर की हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी आप सभी को दोस्तों। देखो ये इंटरचेंज के लिए जो पियर कैप बनाए गए हैं, ये देख सकते हो पियर कैप बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और दूसरी ये पिंक लाइन बनाई जा रही है उस साइड में जो कि इधर जा रही है ये सिग्नेचर ब्रिज की साइड में, और गोकुलपुरी से ये स्टार्ट होती है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये आ चुके हैं हम खजूरी, अभी हम चल रहे थे खजूरी पुस्ता पर, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, बहुत तेज़ी के साथ में ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो ये गाटर रखे हुए हैं, जैसे जैसे ये उधर गाटर लॉन्चिंग हो रही है ना, आप लोगों ने देखा था पीछे, तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हो। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर के जड़ में ही एक पिलर यहाँ पर बनाया जा रहा है, एक पिलर उधर बनाया जाएगा, फिर इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो इसी वजह से पिलर की हाइट ज़्यादा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। देख सकते हैं हम इस खजूरी को क्रॉस करते हुए, और अब हम चलेंगे पाबी पुश्ते पर। तो पाबी पुश्ते पर आप लोग देख लो कि कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है, और ये पिंक लाइन के देख सकते हो ये पिलर आप लोगों को देखने के लिए, जो पिंक लाइन मेट्रो बनाई जा रही है दोस्तों उस पर भी अभी वर्क चल रहा है, तो उसका भी आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा जल्दी चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।